अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। ये छोटे सरकार के पीछे का हिस्सा है, छोटे सरकार के जस्ट पीछे, और सोचा आपको दिखा दूं क्योंकि यहाँ पर एक कुआ है जिसको परियों वाला कुआ कहते हैं, यानी परियों का कुआ है। आप उसकी ज़ियारत कर लीजिए। थोड़ा एरिया ये जंगल टाइम है और अभी मगरिब के बाद का वक्त है, तो ये देखिए थोड़ा एरिया भी आप लोग देख लीजिए। और जो कुआ है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, इसे परियों वाला कुआ कहते हैं। अब अल्लाह जानने बेहतर क्या है, क्यों ये मशहूर हुआ, लेकिन जाहिर है कुछ बात इससे रिलेटेड होगी जो इसीलिए ये मशहूर है। और यहाँ के पानी से मरीजों को नहलाया वगैरह जाता है, और नहलाने के लिए अलग से कमरे हैं। ये देखिए साइड में और पीछे ये पूरा अलग अलग काफ़ी सारी दरगाह बनी हुई हैं छोटे सरकार के। और कुएं की आपने ज़ियारत कर ली, ये परियों वाला कुआ है और यहाँ के पानी से जो है वो नहलाया जाता है। तो छोटे सरकार की दरगाह के पीछे का है ये। और ये कुएं से अंदर ये छोटे सरकार के खलीफा का मज़ार है, अभी जो बताया है लोगों ने उनके मुताबिक। तो इनकी भी मज़ार की ज़ियारत कर लीजिए। बाकी दरगाह तो यहाँ बदायूं शरीफ में बेइंतहा है, आपको हर गली नुक्कड़ पे दरगाह और मस्जिद हमेशा मिल जाएगी। कभी भी आप किसी भी गली से गुजरें आपको ज़ियारत ज़रूर होगी दरगाह की और मस्जिद की, तो हर जगह। और तो ये खलीफा हैं, खिदमत गुजार आप कह लें छोटे सरकार के, जिनको खिलाफत दी छोटे सरकार ने। और कहते हैं कि शायद गौसे आज़म की सिफारिश से, उनकी सिफारिश से हाँ इनको खिलाफत दी। गालिबन कुछ ऐसा ही वाकया है इनके ताल्लुक से। और ये भी आप देखिए, ये भी दरगाह है। और ये डॉक्टर छोटे सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह के डॉक्टर साहब की मज़ार है ये, जो मर्ज़ वगैरह के ताल्लुक से लोग यहाँ पे दुआ करते हैं। आप लोग ये भी ज़ियारत कर लीजिए।